लास्ट क्लास में अपन ने देखा था स्टेम सेल्स के प्रकार पोटेंसी के आधार पर। तो एक बार हम उस चीज को देख लेते हैं कि किस प्रकार से पोटेंसी के आधार पर हम स्टेम सेल्स को बताते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि चार प्रकार के थे। पहला था टोटिपोटेंट प्रकार की स्टेम सेल्स जो कि पूर्ण क्षमता रख रहे हैं, धीरे धीरे उनकी क्षमता कम हुई तो प्लूरीपोटेंट में वो डिवाइड हुए। ठीक है, एज के साथ साथ हम ये देखेंगे कि वो प्लूरीपोटेंट में बदल रहे हैं, फिर धीरे धीरे उनकी क्षमता और कम हुई तो इसमें हो गए मल्टीपोटेंट में डिवाइड। मल्टीपोटेंट में हमने हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स से एग्जांपल दिया, ये आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में और प्लेटलेट्स में विभेदित। एक चीज जो हम देख रहे हैं वो ये भी देख रहे हैं एज के साथ साथ, ठीक है, एज जैसे जैसे क्या बोल रहे हैं हम, बढ़ रही है, राइट, एज जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे स्टेम सेल्स में, स्तंभ कोशिकाओं में जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे हमने ये क्षमता देखी, ये एम्ब्रियो में थी, भ्रूण में थी, ठीक है, स्टार्टिंग में थी, युग्मनज में, जायगोट, है ना। जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो हमें क्षमता कौन सी दिखी, प्लूरीपोटेंट वाली, जो कि कहां थी, मोस्ट प्रोबेबली कहां देखने को मिली ये क्षमता हमें, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था। और धीरे धीरे मल्टीपोटेंट की तरफ बढ़े तो ये वाली क्षमता हमें कहां देखने को मिली, एडल्ट्स के अंदर, ठीक है, वयस्कों में, बेबी में, वयस्क में देखने को मिली जब बॉर्न हो गया उसके बाद। तो हम बोले एज के साथ साथ मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे क्षमता भी हमें कम मिलेगी। ठीक, अब दूसरे टाइप की स्टेम सेल्स दूसरे आधार पर देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पहले हमने देखा था पोटेंसी के आधार पर, अब हम देखेंगे सोर्स के आधार पर कहां से आ रहे हैं। ठीक है, सोर्स के आधार पर स्रोत कहां से है, कहां से स्टेम कोशिकाएं, स्तंभ कोशिकाएं आ रही है, उसके आधार पर देखें। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ठीक है, जो कि कहां है, किस अवस्था में है, एम्ब्रियोनिक अवस्था में उपस्थित है। ठीक है, एम्ब्रियो जो है, जस्ट जो फॉर्म हुआ है उसके अंदर जो स्तंभ कोशिकाएं हैं उनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अब जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की बात करते हैं तो पहली बात तो हमने बोली कि एम्ब्रियो की बात है, एम्ब्रियो में हम बात करेंगे।
ठीक है। दूसरी बात जो हम बोलते हैं कि इनके अंदर क्षमता होती है टोटिपोटेंट वाली, यानी कि कोशिकाएं जो होती हैं वो पूर्ण क्षमता रखती हैं और सारी कोशिकाएं बना सकती हैं, ठीक। दूसरी बात, अगर हम इन कोशिकाओं में से एक कोशिका को या एक स्टेम सेल को हटा भी लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, तो भी हम बोलेंगे कि यहां पर पूरी होल ऑर्गेनिज्म जो है, पूरा जंतु जो है उसका निर्माण होगा, पूर्ण जंतु का निर्माण यहां पर होगा। तो यहां पर हमने क्या बोला है, एक छोटी सी चीज बोली है यहां पर कि एक स्टेम सेल को अगर हम रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो पूरा का पूरा जंतु जो है वो वहां पर निर्मित होगा, उसका निर्माण वहां पर होगा, ठीक है। होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन वहां हमें देखने को मिल जाएगा, आसानी से मिलेगा। दूसरी चीज हम ये भी बोलते हैं कि कुछ स्टेम सेल्स के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर हम एक सेल को रिमूव कर लें तो वो वाला भाग या एक बॉडी पार्ट जो होगा वो मिसिंग रहेगा, देखने को हमें नहीं मिलेगा, ठीक। मतलब अगर हमने एक सेल को रिमूव किया तो वहां पे वो भाग मिसिंग रहेगा, वो भाग देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटिपोटेंट सेल नहीं है, इसमें पूरी क्षमता नहीं, ठीक है। ये किस प्रकार की सेल्स हो गए थे, इनकी क्षमता थोड़ी सी रिड्यूस हो चुकी थी, कम हो चुकी थी, इसलिए वहां पर वो डेवलप नहीं हो पाए, ठीक है। अब यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के समय पे हम बात करते हैं, अगर हम इन सेल्स में से एक सेल को रिमूव करके बाहर की तरफ ग्रोथ कराते हैं तो हम ये देखेंगे कि ये सेल पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता यहाँ पर रख रहा है, होल ऑर्गेनिज्म एक सेल से भी बच सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ही सेल्स एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहलाएंगे, जो कि एम्ब्रियो अवस्था में उपस्थित हैं और पूरे जंतु को बनाने की क्षमता रखेंगे, ठीक। अब नाउ हम बात करेंगे सेकेंड टाइप के स्टेम सेल्स की, सोर्स के आधार पर। एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स, ठीक है, वो स्टेम सेल्स थे, ये क्या है, जर्म सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ साफ साफ कि यहां पर क्या मतलब हुआ इसका कि जर्म कोशिकाएं जो है, जनन कोशिकाएं जो है, वो भी स्टेम सेल्स के अंदर ही आती। 10th वीक तक एम्ब्रियो में हम बात कर रहे हैं, 10th वीक तक, ठीक है, 10वें सप्ताह तक मान के चलते हैं हम कि प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स का निर्माण हो जाए, यानी कि प्राथमिक जनन कोशिकाएं जो हैं वो वहां पर निर्मित हो जाती हैं, जिनसे आगे जाकर जनन कोशिकाएं बनेंगी, मैच्योर्ड वाली, ठीक है, मैच्योर जनन कोशिकाएं जिनसे आगे बनेंगी। और यहां पे आते आते बाइपोटेंशियल गोनाड का भी निर्माण होने लग जाए। बाइपोटेंशियल मतलब द्वि क्षमता, दो चीजों की क्षमता रखने वाला गोनाड, उसी को हम बोलेंगे बाइपोटेंशियल गोनाड, ठीक है। यानी कि ये ओवरी में भी बदल सकता है, ठीक है, अंडाशय में या फिर टेस्टिस में, वृषण में बदल सकता है, ठीक है। इसलिए हम इसे बोले दो पोटेंशियल है कि दोनों में से किसी में भी ये बदल सकता है। तो यहां तक आते आते इन संरचनाओं का निर्माण हो जाता है और इस संरचना के अंदर जर्म सेल्स जो है माइग्रेट करके घूमते हुए यहां पर
तो इन्हें हमने बोला जर्म सेल्स। ठीक, आप इस क्रिया के द्वारा रहे हैं माइग्रेशन के द्वारा, मूवमेंट करते हुए बॉडी में कहीं और बन रहे शरीर में और यहाँ पर आके स्थापित होते हैं। तो इन जर्म सेल्स को हम नाम देते हैं स्टेम सेल्स ही होते हैं, ये एक प्रकार। ठीक है, अब हम बोलेंगे जर्म सेल्स के अंदर पूरी क्षमता तो नहीं है कि वो पूरी बॉडी को बना सके, लेकिन इनके अंदर इतनी क्षमता तो है, इतनी क्षमता तो ये रखते ही हैं कि ये डिफरेंट टाइप के सेल्स को बना सके। तो इन जर्म सेल्स को हम मान के चलते हैं कि ये प्लूरीपोटेंट प्रकार के हैं। ठीक है, इनको मान के चलते हैं कि ये प्लूरीपोटेंट प्रकार के हैं, इसलिए ये अलग अलग प्रकार की सेल्स पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, पूरा जो जनन तंत्र है उसको बनाने की क्षमता यहाँ पर रखेंगे। इसी के आधार पर तो जनन तंत्र बनेगा कि अगर ओवरी बनती है तो किस तरह की संरचना बनेगी, वो डिफाइंड होगा यहाँ पर, डिसाइड किया जाएगा। और अगर टेस्टिस है, प्रेशन है, तो कैसी संरचना बनेगी, दोनों की संरचना अलग अलग होती है, तो पूरी संरचना बनाने का जिम्मा होता है इनके हाथ में, इसलिए ये प्रकार की सेल्स कैसे कहलाएंगे, प्लूरीपोटेंट। और ये कैसे है, एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स, क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर उस वक्त वो स्थापित है, एम्ब्रियो अवस्था में। ठीक, अब इसी में आती है थर्ड टाइप के सेल्स, तीसरे प्रकार के सोर्स के आधार पर, इन्हें हम बोलेंगे फीटल स्टेम सेल्स। ठीक है, फीटल स्तंभ कोशिकाएं। पहली बात तो किसी को हम फीटस कब बोलेंगे, किसी संरचना को हम फीटस कब बोल रहे हैं, जब उसके अंदर ऐसी संरचनाएं बन जाएं जो कि हमारे वयस्क से मिलती जुलती होती है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं एडल्ट से मिलती जुलती स्ट्रक्चर्स जब एम्ब्रियो में भ्रूण अवस्था में बनने लग जाए संरचनाएं, तो उस संरचना को हम नाम दे देते हैं फीटस। राइट, यानी कि उसमें आंख बनने लग गई है, हार्ट बनने लग गया है, हाथ बनने लग गए हैं, लिम्स फिंगर्स बनने लग गए, तो इस तरह की संरचना बनते बनते हम उसको नाम देंगे फीटस। और फीटस के अंदर जो स्टेम सेल्स होंगी उनको हम क्या बोल रहे हैं, फीटस की स्टेम सेल्स या फीटल स्टेम सेल्स कोशिकाएं। ठीक, अब इनके अंदर भी क्षमता होती है कि ये विभिन्न भागों को बना सके, पर फीटस के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, मल्टीपोटेंट प्रकार। ठीक है, ये ज्यादा क्षमता नहीं रखते हैं, पर हाँ ऐसा जरूर होता है कि वहां पर कुछ प्रकार के, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, कुछ कोशिकाओं के समूह का निर्माण ये कर सकते। ठीक है, इसलिए हम इनको नाम देते हैं फीटल स्टेम सेल्स। और ये कैसा कैरेक्टर रखते हैं, मल्टीपोटेंट प्रकार। राइट, अब हम चौथी बात करेंगे एडल्ट स्टेम सेल्स। ठीक है, वयस्क कोशिकाएं, वयस्क स्तंभ कोशिका। एडल्ट स्टेम सेल्स कहां उपस्थित रहेंगे, वयस्क में उपस्थित रहेंगे, यानी कि एडल्ट्स में उपस्थित। इनके अंदर क्षमता कैसी होगी, मल्टीपोटेंट प्रकार। ठीक है, इनके अंदर क्षमता कैसी होगी, मल्टीपोटेंट प्रकार की क्षमता होगी। ठीक है, दूसरी चीज, जब हम एडल्ट के स्टेम सेल्स की बात करते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की। ठीक है, ये तो हमारी क्या हुई, ब्लड की बात। ठीक है, रक्त के कंपोजिशन की, रक्त की बात होगी। दूसरी बात हम करेंगे यहां पर लिवर की और किडनी की, इनमें भी क्षमता होती है कि यहां पर चेंज हो सके, कुछ कोशिकाएं ये बना सके। ठीक है, फिर हम बात करते हैं
बोन्स की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मसल्स की। कुछ मसल्स भी ऐसी होती हैं जो डेवलप होती है। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं कि मसल्स फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है बस बोन्स में, तो ठीक हो जाता है, तो किसके कारण हो रहा है? स्तंभ कोशिकाओं के द्वारा। मसल्स में चोट आ जाती है तो वो ठीक हो जाती है, किसके कारण हो रही है? क्योंकि यहाँ पर स्तंभ कोशिकाएं उपस्थित है। लिवर जो है वो बहुत ही जनरेट कर जाता है। इसके अलावा हमारी जो स्किन है, त्वचा जो है वो भी रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखती है। तो ठीक है, इस तरह से एडल्ट में भी काफी जगह पर स्टेम्सल्स उपस्थित है जो कि बार बार उन संरचनाओं को बना सकते। हम बात करते हैं हमारे अंदर हेयर्स जो होते हैं, नेल्स जो होते हैं, ये भी बार बार बनते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर बात करेंगे कि एडल्ट के अंदर भी मल्टीपोटेंट प्रकार के स्टेम सेल्स होते हैं, स्तंभ कोशिकाएं होती हैं, जो कि एक प्रॉपर सिस्टम के लिए जरूरी है। और अगर ये नहीं होगी, ये स्टेम सेल्स नहीं होगी, तो प्रॉपरली सिस्टम नहीं चल पाएगा। और अगर छोटी सी चोट भी लगेगी तो वहां हमारे चीजें बिगड़ सकती है। राइट, तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के आधार पर स्टेम सेल्स। एक चीज जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि अगर हम किसी स्टेम सेल को बोल रहे कि वो टोटिपोटेंट प्रकार की है, जिसका मतलब हुआ कि अगर हम बोल रहे कि उसके अंदर पूर्ण क्षमता है, सारे ऑर्गन्स को बना सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो थ्री जर्म लेयर्स जो, तीन जनन लेयर्स जो है, उन तीनों को बना रही है, तीनों की संरचनाओं को, इनसे जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन तीनों को बनाने की क्षमता रखती है। ठीक है, चाहे एक्टोडर्म की बात करें, चाहे मेसोडर्म की, चाहे एंडोडर्म, इन तीनों से जो भी बनेगा वो सारी चीजें टोटिपोटेंट सेल्स बनाएंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं मल्टीपोटेंट कोशिकाओं की, राइट, मल्टीपोटेंट कोशिकाओं की बात करेंगे, तो यहां हम बात करेंगे कि एक जर्म लेयर जो होगी उसके द्वारा जो संरचनाएं बनती हैं उन्हीं को ये बना सकते। यानी कि अगर एक्टोडर्म है तो ये क्या करेगी, सिर्फ एक्टोडर्म की संरचना को ही बना पाएगी, ऐसा नहीं कि ये दूसरी जर्म लाइन में एंड करती। ठीक है, एक जर्म लाइन को ही बना पाएगी, इसके आधार पर हमने इन्हें मल्टीपोटेंट कहा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल्स, कि इनकी कहां उपादेयता है, इनका यूज कहां आता है। इन्हें हम कहां कहां यूज कर सकते हैं? पहली बात हम करते हैं एकेडमिक की,
इससे पहले एक चीज हम क्या देखते हैं, रीप्रोग्रामिंग। ठीक है, हमारी जो एडल्ट कोशिकाएं होती हैं, वयस्क स्टेम सेल्स होती हैं, उनमें रीप्रोग्रामिंग करवाई जाती है। किस प्रकार से करवाई जाती है यह हम देखते हैं कि जैसे यहां पर एक एडल्ट स्टेम सेल ली गई, ठीक है, और दूसरी जो है क्या ली गई, ओव्यूल की कोशिका ली गई। अब इसमें से जो न्यूक्लियस था उसे बाहर निकाल दिया, इसे इन्यूक्लिएटेड कर दिया गया, न्यूक्लियस को बाहर ले जाया। अब इन दोनों को क्या करवा दिया गया, इन दोनों का फ्यूजन करवा दिया गया, इन दोनों को मिक्स करवा दिया। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करवाने के बाद देखा गया कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा, इसके अंदर कुछ कोशिका द्रव्य होगा, वो क्या करेगा, इस एडल्ट स्टेम सेल को, वयस्क स्तंभ कोशिका को रीप्रोग्राम कराएगा। ठीक है, रीप्रोग्राम कराएगा, तो उसके कारण क्या होगा, इस स्टेम सेल में पहले कैसी थी, मल्टीपोटेंट प्रकार की चीजें थी, अब इसमें किस प्रकार की आ जाएंगी, प्लूरीपोटेंट या जहां तक हो सकेगा टोटिपोटेंट वाली भी क्षमता इसके अंदर आ जाएगी। यानी कि यहां पर रीप्रोग्रामिंग हो रही है, एडल्ट स्टेम सेल को वापस से प्रोग्राम करवाया जा रहा है ताकि वो सारे प्रकार के सेल्स को, कोशिकाओं को, ऑर्गन्स को, अंगों को बना सके। तो ये रीप्रोग्रामिंग वाली चीज भी यहां पर हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह है जो हम देखते हैं। अब एप्लीकेशन पे सबसे पहली एप्लीकेशन एकेडमिक की है कि हम रिसर्च में इसका यूज कर रहे हैं, स्टेम सेल्स का हम पूरा देख रहे हैं किस तरह से परिवर्तन होता है, स्टेम सेल्स कहाँ कहाँ काम आ सकती हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से उसे ट्रीट कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एकेडमिक वाली चीज में, पढ़ाई में, हमारी स्टडी में स्टेम सेल्स की काफी ज्यादा उपा देता है, उससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। दूसरी चीज हम बात करेंगे ड्रग टेस्टिंग कि जैसे सपोज कोई भी नई बीमारी आती है, कोई भी नया वायरस आया, कोई भी नई बैक्टीरिया आई, तो उससे जो डिजीज हो रही है उसको रोकना भी जरूरी होता है। इसलिए मार्केट्स में आए दिन नई नई ड्रग्स, नई नई मेडिसिन बनती है। अब उन मेडिसिन को हमें टेस्ट करना जरूरी है। अगर हम ह्यूमन पे डायरेक्टली टेस्ट करते हैं तो वो कोई भी अलाउ नहीं कि हो सकता है टेस्टिंग के कारण उसका जो केमिकल संरचना है वो कुछ रिएक्शन कर जाए ह्यूमन पर और उस ह्यूमन की लाइफ लॉस हो जाए, हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी डेथ हो जाए। इसलिए वो डायरेक्ट अलाउ ही नहीं करता है कि ह्यूमन्स पर किया जाए। तो सेकेंड मैकेनिज्म लिया गया कि एनिमल्स पर कर ली हो। ठीक है, तो एनिमल्स पर करने में भी दो हमें प्रॉब्लम्स आई कि एनिमल्स पर करते टाइम क्या देखा गया कि पहले तो जो एनिमल लवर्स हैं, बायोडायवर्सिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो ये चीज अलाउ नहीं कर रहे कि एनिमल पर अगर कुछ रिएक्शन हो गया तो वो एनिमल की प्रजाति हो सकता है खत्म हो जाए और हमारी जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, वहां पर जो बैलेंस बना हुआ है वो बिगड़ सकता है। दूसरी चीज कि अगर हम किसी एनिमल पर टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी संरचना हमारे जैसी नहीं है, तो हमारे जैसी संरचना नहीं है तो टेस्ट वहां पर हो सकता है वो सही टेस्ट दे रही हो और हमारे अंदर यूज करते हैं वो उल्टा प्रभाव दे, कुछ और रिएक्शन कर जाए। ठीक है, इसलिए क्या देखा गया कि ड्रग टेस्टिंग स्टेम सेल्स पे या इन पे की जाए अगर ब्लड टेस्टिंग, यानी कि हम एम्ब्रियो भाग से, ह्यूमन के ही एम्ब्रियो की चलो बात कर ले, ह्यूमन के एम्ब्रियो भाग से या हम बोलते प्लेसेंटा जो होता है, ठीक है, उस भाग से हम अगर स्टेम कोशिकाओं को अलग कर ले और लैबोरेटरी में ही उन्हें ग्रो करें, ठीक है,
उनका परिवर्धन करके उन पे ड्रग टेस्टिंग करें तो वो चीज हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस रखे। ठीक है, तो लेबोरेटरीज में अगर इन पे टेस्ट वर्क किया जाए तो वो हमारे फ्यूचर के लिए भी काफी अच्छा है और हम काफी सारी चीजें वहां से समझ पाएंगे, ले पाएंगे और हमारे टेस्ट सही भी रहेंगे। तो इसलिए ड्रग टेस्टिंग के लिए भी स्टेम सेल्स की एप्लीकेशन अप्लाई करना हम सोच सकते हैं कि हमें ये चीज करनी चाहिए जितना ज्यादा हो सके। तो इसके लिए अब कंट्री में काफी ज्यादा वर्क चल रहा है कि ये चीज हम लागू कर सके, ज्यादा कॉस्टली ना पड़े इसके। तीसरी बात होती है डिजीज ट्रीटमेंट में, यानी कि हमारे जितने भी डिजीजेस हैं उनमें हम स्टेम सेल्स को ट्रीट कर सकते हैं। स्टेम सेल्स का आधार मानकर हमें डिजीजेस को ट्रीट करना पड़ सकता है। उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट की डिजीज, ठीक है, हृदय रोग की बात करेंगे। वहां पर अगर हम बोलते हैं कि हार्ट का, हृदय का कोई भी भाग अगर वर्क ना कर पाए, फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, स्टेम सेल को उस प्रकार से ग्रो करवा सकते हैं और उसी भाग को हम लेबोरेटरी में ग्रो करवा के हार्ट फेलियर को रोक सकते हैं। कई बार हम देखते हैं हार्ट डिजीज से हार्ट फेलियर होता है और उसमें आसपास की जो मसल्स होती हैं, ठीक है, वो मोस्टली क्षतिग्रस्त होती हैं, वो डिस्ट्रॉय होती है। तो मसल्स को हम बाहर की तरफ अगर फॉर्म कर लें और इन्हें आसानी से हम कर पाए ये चीज, तो ये हमारे लिए सही होता है। दूसरी बात, पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज में हम बोलते हैं कि जो नर्व्स होती है, हमारा जो ब्रेन सिस्टम होता है, वहां पे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी संरचना में गड़बड़ी आ जाती है। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार का हार्मोन, एक प्रकार का सब्सटेंस जो होता है वो यहाँ पर सीक्रेट करवाया जाता है और उस सब्सटेंस का नाम होता है डोपामाइन। ठीक है, डोपामाइन जो होता है ये सेल्स जो होते हैं यहाँ के वो सीक्रेट करते हैं। और अगर हम ये करें तो पार्किंसंस डिजीज क्यों हो रही है कि डोपामाइन जो है वो सीक्रेट नहीं हो पा, तो हम ऐसी सेल्स को बाहर से अंदर डालें जो कि आसानी से इसका श्रावण कर सके, इसका सिक्रीशन कर सके, तो हमें इस डिजीज से निजात मिल सकती है। ठीक है, इस डिजीज से क्योर मिल सकता है, क्योर हो सकती है ये डिजीज आसानी से। तो इस तरह से ये पार्किंसन डिजीज में भी हमें हेल्प करेगी। तीसरी बात करते हैं हम टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इस डायबिटीज को हम डायबिटीज मेलिटस के नाम से जानते हैं। और ये क्यों होती है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो यहाँ पर फॉर्म ही नहीं हो पाता। तो इंसुलिन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज का लेवल जो है वो नियंत्रित नहीं हो पाएगा हमारे ब्लड में, हमारे रक्त। ठीक, इसलिए डायबिटीज मेलिटस होती है। तो इंसुलिन कौन बनाते हैं, हमारे पेंक्रियास के बीटा सेल्स, यानी कि बीटा सेल्स में वो फंक्शन ही नहीं रहा जिसके कारण इंसुलिन बन रहा। तो हम बाहर की तरफ बीटा सेल्स को परिवर्तित कर डायबिटीज वाले पेशेंट में अंदर डाल सकते हैं ताकि इंसुलिन प्रॉपरली बन जाए और डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज हमें देखने को ना। ठीक है, तो इस तरह से इस शो में भी हम स्टेम सेल का यूज करके निदान पा सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। ठीक है, चौथी बात करते हैं हम इस्केमिक डिजीज। इस डिजीज को भी हम जोड़ते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के आधार और इसको हम इस्केमिक स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इस डिजीज को बोले तो इसे इस्केमिक स्ट्रोक भी कहा जाता है। अब यहां पे क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, रुक जाती है। ठीक है, जिसके कारण ब्रेन वाले भाग तक रक्त नहीं जा पाएगा और वहां तक रक्त नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगा, तो वहां पर क्या होगा, ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर ब्लड वेसल्स बाय चांस ब्लॉक हो जाती हैं, रुक जाती हैं, तो हम ऐसे स्टेम सेल्स को अंदर जा सकते हैं जो कि ब्लड वेसल्स को क्लीन कर दें, ब्लॉकेज ना होने दें
कोशिकाओं को अंदर की तरफ डालकर इम्प्लांटेशन कर सकते हैं, और जिससे क्या होगा कि ये भी नहीं होगा, रुकेंगे ही नहीं, ब्लॉकेज नहीं देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन पूर्ण मात्रा में अंदर तक जाएगा ब्रेन तक, और इस तरह के स्ट्रोक देखने को नहीं मिलेगा। वही लास्टली हम बात करते हैं किडनी फेलियर की, कि किडनी फेलियर में क्या होता है, जो किडनी है वो फेल हो जाती है और पर्सन को डायलिसिस पे रखना पड़ता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमें कोई डोनर नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि हमारे पास किडनी दो ही हैं, इतनी आसानी से कोई अपनी किडनी देगा नहीं। ठीक है, और जो देते भी हैं तो कई बार टिश्यू मैच नहीं हो पाता इसलिए हम ले नहीं पाते, ब्लड मैच नहीं हो पाता इसलिए हम ले नहीं पाते, तो उस कंडीशन में भी हम स्टेम सेल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे खुद के स्टेम सेल होंगे तो वहां पर हम लैब कंडीशन में किडनी की जो सेल्स होंगे किडनी को बनाने के लिए उत्तेजित कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं स्टेम सेल्स को, ताकि किडनी को हम बाहर ही प्रिपेयर करके और उसे ट्रांसप्लांट करवा दे एक ह्यूमन के अंदर, और किडनी फेलियर को रोका जा सके, इससे हमें ट्रीटमेंट मिल सके, क्योर हो सके इस डिजीज का। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर स्टेम सेल्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जो कि अब रिसर्च वर्क चल रहा है इस पे पूरा, और आने वाले दिनों में हो सकता है हमें इसके आधार पर बहुत सारे डिजीजेस से क्योर मिल सके, बहुत सारी ड्रग्स जो होती है वो इनके आधार पर बन सके। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टेम सेल्स की एप्लीकेशंस सारी।